तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के तीन वेन्यू को लेकर पाकिस्तान टीम ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान टीम चाहती है कि इन तीन वेन्यू को बीसीसीआई चेंज करे। तो वो कौन से तीन वेन्यू हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो पहला वेन्यू है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पाकिस्तान को 15 अक्टूबर को भारत से मुकाबला खेलना है। वहीं दूसरा वेन्यू है बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पाकिस्तान को 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला खेलना है। वहीं तीसरा और आखिरी वेन्यू है चेन्नई का चिपॉक स्टेडियम, जहां पाकिस्तान को 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ मुकाबला खेलना है। इन तीन वेन्यू को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई है और पाकिस्तान टीम चाहती है कि इन तीन वेन्यू को बदला जाए। लेकिन इन तीन वेन्यू को लेकर पाकिस्तान का जो तर्क है वो बहुत ही बेतुका और तर्कहीन है, क्योंकि पाकिस्तान को 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत से मुकाबला खेलना है और पाकिस्तान चाहता है कि इस वेन्यू को बदला जाए। और उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि यहां पर सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैटिंग की व्यवस्था है और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा प्रेशर, और पाकिस्तान इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस वेन्यू को बदला जाए। वहीं दूसरा वेन्यू है बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला खेलना है पाकिस्तान को, और क्योंकि ये ग्राउंड छोटा है और इसमें रन ज्यादा बनते हैं तो पाकिस्तान को डर है कहीं ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा रन बना दिए और फिर हम वहां चेस कर पाए या नहीं कर पाए। हमने पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने रन चेस कर ली, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और ऑस्ट्रेलिया के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान को डर है कि इस ग्राउंड में भी हम मुकाबला हार सकते हैं। वहीं तीसरा और जो आखिरी वेन्यू पाकिस्तान चेंज करना चाहता है वो है चेन्नई का चिपॉक स्टेडियम। आपको बता दूं कि चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में स्पिनर का राज रहता है, और क्योंकि अफगानिस्तान में स्पिनर की भरमार है, क्वालिटी स्पिनर अफगानिस्तान के सामने है, तो पाकिस्तान को डर है कहीं चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में स्पिन के सामने फंस गए तो वहां मुकाबला हार सकते हैं। तो इन तीनों ग्राउंड पर मुकाबला हारने का डर पाकिस्तान को सता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान इन तीनों वेन्यू को चेंज करना चाहता है। और इन वेन्यू को लेकर जब बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान टीम चाहती है कि उसके तीन वेन्यू बदले जाएं जिसमें अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु शामिल है, तो उस पर बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी वेन्यू नहीं बदला जाएगा, पाकिस्तान को इन्हीं वेन्यू पर खेलना होगा और कोई भी स्पेशल डिमांड नहीं मानी जाएगी पाकिस्तान की या किसी भी टीम के, जो वेन्यू है वहीं पर मुकाबले खेलने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान चाहे जितना हाई तवा मचाए, अपने वेन्यू चेंज कराना चाहे, बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, जो वेन्यू तय हो गए हैं उन्हीं वेन्यू पर खेलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 का मजा क्रिकेट करना है और अपने एजेंडे पर काम करना है, इसीलिए पाकिस्तान हाई तवा मचा रहा है। और एक और जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने बीसीसीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेतुका बयान दिया है। जावेद मियांदाद ने कहा है कि अगर मेरे बस में चलता, मेरे बस में होता, तो मैं पाकिस्तान टीम को कभी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं भेजता, लेकिन मेरी नहीं चल रही है, इसलिए आप लोग पता नहीं क्यों वहां वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज रहे हैं, जब वो हमारे पास नहीं आते तो हम वहां खेलने के लिए क्यों जाएं, उनको पहले आना है हमारे पास, तभी हम वहां जाएंगे खेलने के लिए, अगर वो नहीं आते हैं तो भारत में जाए टीम इंडिया, हमें क्या मतलब वर्ल्ड कप से, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। तो ये बयान दिया है जावेद मियांदाद ने, जो कि बहुत ही सीनियर खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान टीम के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर प्लेयर ये तो के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। आपके सोचते बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।